नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। समाचार की बात की जाए तो दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले के केशवपुरम पुलिस स्टेशन की टीम ने घर में घुसने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले के केशवपुरम पुलिस स्टेशन की टीम ने घर में घुसने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8,14,500 रुपए नकद बरामद किए हैं। आरोपी रमन और जसपाल पहले अपराध में शामिल नहीं थे, वे आसानी से पैसा कमाने के लिए अपराध करने लगे थे। नॉर्थ वेस्ट डीसीपी अभिषेक धानिया के मुताबिक 12 अक्टूबर को शिकायतकर्ता सुनील मेहरा ने केशवपुरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर में घुसकर 5.5 लाख रुपए नकद और कुछ सोने के गहने चोरी हो गए हैं। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। पुलिस ने शिकायतकर्ता से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। पुलिस ने सूत्रों की मदद से आरोपियों का पता लगाया और कई ठिकानों पर छापे मारे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो आरोपियों रमन और जसपाल को वजीरपुर के मछली मार्केट से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस ने उनके पास से 8,14,500 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है और आरोपियों के अन्य मामलों में शामिल होने का पता लगाने के प्रयास कर रही है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।